हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। जैसा कि आप जानते हैं कि जावा में हम स्टार पैटर्न और पैटर्न का प्रोग्राम बना रहे हैं, तो चलिए आइए उसी की सीरीज में एक और वीडियो ये पैटर्न को लेकर के है। सबसे पहले यहां पर नोटपैड ओपन कर लेना है। पाथ मैंने पहले से सेट कर रखा है। यहां पर मैं क्लास बनाता हूँ, ठीक है। तो क्लास स्टार सिक्स कर देता हूँ, इसका नाम दे देता हूँ सिक्स, ठीक है। और यहां पर आपको कर्ली ब्रेसेस लगा लेना है। यहां पर लिखना है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और इसके अंदर आर्गुमेंट पास करेंगे तो यहां लिखेंगे स्ट्रिंग ए आर जी एस, ठीक है। और यहां से इसको क्लोज करिए और फिर यहां पर नीचे कर्ली ब्रैकेट ओपन कर लीजिए। तो यहां से कर्ली ब्रैकेट को ओपन कर लिया हमने। अब यहां पे पहला फॉर लूप लगा रहा हूं। कोई भी वेरिएबल बनाया नहीं है तो पहले वेरिएबल बनाते हैं और उससे भी पहले वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं किस टाइप का वेरिएबल है। तो इंट टाइप का एक वेरिएबल ले लिया हमने आई, और आई की वैल्यू को आई में इनिशियलाइज कर दिया वन, और आई इज लेस देन इक्वल टू कहां तक चलाते हैं इसको, इसको चला देते हैं फाइव तक, ठीक है। और आई प्लस प्लस लूप की बॉडी कर्ली ब्रैकेट से बनेगी, तो यहां पर आ लेते हैं। और कर्ली ब्रैकेट से बनाने के बाद अगला लूप हम लगाने वाले हैं, तो फिर कर लेते हैं यहाँ पे फॉर, ठीक है। तो ये कर लिया फॉर लूप, और फॉर लूप लगाने के बाद फिर क्या करना है हमें, फिर एक बार हमें एक और वेरिएबल बनाना है इंट टाइप का। जैसे मान लीजिए हमने बना लिया जे, और जे की वैल्यू को कहां से स्टार्ट करते हैं, वन से। जे इज लेस देन इक्वल टू कहां तक चलाएंगे, फाइव तक चलाएंगे, जे प्लस प्लस, ठीक है। ये कर लिया हमने, लूप की बॉडी कर्ली ब्रैकेट से बना देते हैं। और अब यहाँ पे हमें प्रिंट करवाना है स्टार, ठीक है। तो प्रिंट करवाने के लिए आप जानते हैं कि जावा में हम लिखते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, ठीक है, यही लिखते हैं। लिख दिया, स्टार सिंबल लगा दिया और क्लोज कर दिया इसे, ठीक है। तो अब प्रिंट होगा स्टार, टर्मिनेट किया इसे और पहला कर्ली ब्रैकेट कर दिया क्लोज, ठीक है। अब यहां पर एक बार स्टार प्रिंट होगा और एक बार स्पेस प्रिंट होगा, तो यहां पर फिर से सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, ठीक है। प्रिंट सिर्फ नहीं लिखेंगे, चूंकि लाइन भी चेंज करनी है, तो एलएन लिखेंगे, प्रिंट एलएन, और यहां पे स्पेस हमने करा दिया प्रिंट, नीचे आ गए। इसको हटा दीजिए आप। अब नीचे आइए, यहां पर क्या करना है, अब यहां पर हमें जो दूसरा कर्ली ब्रैकेट था उसको भी कर देना है क्लोज, तो यहां पे कर देता हूं क्लोज। और अब एक बार और फिर वही फॉर लूप जो हमने लगाया था वही लगा देना है यहां पे। यहां लिखा हमने फॉर, लिखो इंक्रीमेंट कर दिया, ठीक है, और एंटर प्रेस किया। एंटर प्रेस करने के बाद लूप की बॉडी कर्ली ब्रैकेट से बनती है, बना दिया, और दूसरा जो फॉर लूप है उसे हमने लगा दिया, ठीक है। जे इज इक्वल टू, अब जे की वैल्यू को कहां से स्टार्ट करेंगे, फाइव से स्टार्ट करते हैं। जे अब यहां पे लेस देन इक्वल टू नहीं लिखेंगे, ठीक है, जे इक्वल टू फोर कर दिया। अब ग्रेटर देन इक्वल टू लिखेंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू आई, ठीक है। और यहां पे डिक्रीमेंट करेंगे, ठीक है, तो यहां पे करेंगे जे माइनस माइनस, ये डिक्रीमेंट ऑपरेटर है, ठीक है। तो यहां पे हम कर रहे हैं डिक्रीमेंट, इंक्रीमेंट नहीं कर रहे हैं बल्कि डिक्रीमेंट कर रहे हैं, ठीक है। अब क्या करना है, तो फिर रिजल्ट हम प्रिंट करवा देते हैं, बहुत ही इजी है। तो यहां लिखता हूं मैं सिस्टम, ध्यान रखिएगा कि जावा एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, तो कैपिटल लेटर्स जहां इस्तेमाल किया जाता है वहां कैपिटल लेटर ही लिखिएगा, और जहां स्मॉल लेटर इस्तेमाल होता है वहां स्मॉल लेटर ही लिखिएगा, नहीं तो प्रॉब्लम आएगी, एरर आएगी। तो ये हमने कर दिया, स्टार प्रिंट करवा दिया, और अब जो कि पहला कर्ली ब्रैकेट था उसको क्लोज कर दीजिए और फिर एंटर प्रेस करके नीचे आइए। फिर यहां लिखता हूं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, क्योंकि लाइन भी चेंज करनी है ना, तो ln, ठीक है। और इस बार स्पेस प्रिंट करवा दिया हमने, और एक कर्ली ब्रैकेट यहां पर भी क्लोज किया और एक नीचे क्लोज किया, यानी तो यहां पे देख सकते हैं ये इस तरह से पैटर्न प्रिंट होकर आया हुआ है। तो उम्मीद आपसे यही करता हूं कि ये वीडियो आपको समझ में आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आती है तो इसको शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।